टुडे वी हैव यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया हुजॉट चार्ज ऑफ केमिकल एंड फर्टीलाइजर मिनिस्ट्री ही विल टॉक टू अस अबाउट कोविड एंड मैनी अदर थिंग्स वेलकम टू पी टी आई सर थैंक्स थैंक्स फॉर टॉकिंग टू पी टी आई इस सर तीन साल से ज़्यादा हो गए कोविड को आए हुए अब ऑलमोस्ट नहीं खबर दिखता है दिन भर में कुछ पचास साठ केसेस आ रहे हैं बीच में कुछ दिन पहले एक दोबारा एक वेव टाइप का आया था लेकिन कुछ उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया गया स्पेशली इंडिया के इस तरह से हैंडल किया उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है इस बारे में सर लेकिन जब स्टार्ट में शुरुआत हुई थी तो काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो रही थी कुछ चीज़ जो कि एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया गया फिर खोल दिया गया स्टार्टिंग में जो बोलते हैं टी थिंक ट्रेवल्स होते हैं वो सब थे लेकिन एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छे से गुजरा इन निर्णयों के पीछे क्या चल रहा था कैसे चल रहा था उस बारे में आप कुछ जिना रोशनी डालना चाहेंगे सर जब दुनिया में और देश में कोविड आया और उस वक्त जब कोई डिजास्टर होता है आपदा होती है तो दो चीज़ महत्वपूर्ण होती है एक डिसीजन दूसरा टाइम पे डिसीजन मोदी गवर्नमेंट डिसिसिव गवर्नमेंट है और इसलिए जब देश में कोविड आया तो हमारे सामने तीन बड़ी चैलेंज थी एक तो इंडिया इज़ ए बिग कंट्री ह्यूज डाइवर्सिटी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन सब और उसके लिए मेडिसिन की कमी ना हो पहला दूसरा हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है क्राइसिस में भी हमारा टाइटल जाना नहीं चाहिए हम हाँ वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसोफी में मानने वाले देश हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश के प्रति तो हमारी जिम्मेवारी है ही लेकिन इन्हें हेल्थ सेक्टर भारत के लिए हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है भारत के लिए हेल्थ है सेवा है तो दुनिया की सेवा भी हमें करनी है दुनिया की ज़रूरत भी पूरा करना है हमारा टाइटल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड उसको बरकरार रखना है तीसरा देश में मेडिसिन की किल्लत ना हो यानी कि लॉकडाउन में भी मैन्युफैक्चरिंग चालू रहे ये तीन चैलेंज को देखते हुए हमने रणनीति बनाई और ये रणनीति कारगत रही उसका नतीजा ये है कि पोस्ट कोविड के बाद भी दुनिया हिंदुस्तान की प्रशंसा इसलिए कर रही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संकट के समय में हमारे साथ खड़ा रहता है हमें मदद करता है हमें सहयोग करता है इसलिए आज हमारा कोविड मैनेजमेंट की वजह से कोविड के दरमियान हमने दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेवारी हमने अदा की उस वजह से दुनिया हमारी सराहना भी करती है और दोस्ती भी निभाती सर आपने और प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस दौरान बात की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कोविड की लड़ाई में भी इसका काफ़ी इसको फॉलो किया गया हालांकि कुछ विपक्षी राज्यों ने विपक्षी पार्टी के शासित राज्यों ने इस पर कुछ क्वेश्चन भी उठाए तो लेकिन उसके हिसाब से कि, कितना सक्सेसफुल रहा हमारा दिस कोऑपरेटिव ये हमारी डेमोक्रेसी का हार्ट है आत्मा है उसको बरकरार रखना ये मोदी जी की मोदी गवर्नमेंट की कार्य रीति नीति पद्धति रही है आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस के दरमियान बहुत सी राजनीति होती रही बहुत सी विपक्ष लोगों ने राजनीति भी की लेकिन मोदी जी ने हमें मंत्र दिया था कि देश अभी संकट में है और संकट की स्थिति में हमें कोई राजनीति नहीं करनी है सभी राज्यों के साथ सहयोग करना है यानी कि राज्यों के साथ राज्य स्टेट उसको लीड करें सरकार उसको सहयोग करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सहयोग करेगी आपने ये भी देखा होगा 2014 के पहले कोई भी स्टेट में आपदा होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई होता था कि इट इट इज़ ए हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट मोदी गवर्नमेंट ने नहीं कहा और स्टेट के साथ खड़े रहे स्टेट के साथ मीटिंगें की ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस नंबर ऑफ टाइम प्रधानमंत्री जी ने स्टेट के साथ बातचीत की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैंने और मेरे पी सर ने भी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ बातचीत की और हर संभव हमने स्टेट गवर्नमेंट को मदद किया स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिमांड रखी फॉर एग्जांपल ये समय में स्टेट अपनी ओर से अपनी सुविधा उपलब्ध कर ले अच्छी बात है हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये स्टेट कौन सी कौन सी पार्टी का रूल की रूलिंग गवर्नमेंट है ये हमारी पार्टी की रूलिंग तो गवर्नमेंट है नहीं तो है उसमें हम नहीं गए कोई राज्य ने मास्क मांगा हमने उसको मास्क दिया कोई राज्यों ने वेंटिलेटर मांगा हमने उसको वेंटिलेटर सप्लाई किया कई राज्यों ने जब सेकंड वेव चल रहा था तो ऑक्सीजन क्राइसिस थी तो हमने समान धोरण पर ऑक्सीजन सप्लाई किया और उस वक्त राज्यों ने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन हम राज्य भी प्रोक्योर करें तो मोदी जी ने कहा कि 25 परसेंट राज्य भी स्टेट भी प्रोक्योर करके लगा सकते हैं हमने ना नहीं किया स्टेट ने कहा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो मोदी जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हम आपको उपलब्ध करा देंगे तो हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान राज्य सरकार को आर्थिक मदद किया टेक्निकल सपोर्ट किया ऑल टाइप ऑफ हैंड होल्डिंग हमने स्टेट गवर्नमेंट को किया आपने ये भी देखा होगा सर इसमें तीन तीन अलग अलग लेवल पे काफ़ी आपने जैसे बोला काफ़ी तारीफ हुई बाकी हर चीज़ों की ऑक्सीजन पी पी किट लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पहले वैक्सीन बनाना हमने बनाया फिर वैक्सीन का वितरण लगाना और फिर मुफ्त में ऑलमोस्ट सबको आई थिंक मोर देन वास्ट वास्ट मेजोरिटी को मुफ्त मिलाया गया इसके पीछे रणनीति क्या थी ये बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी और नहीं है सवाल इतना ही था टाइम पे डिसीजन करने वाली लीडरशिप का अभाव था जब दुनिया में कोविड आया इंडिया में भी कोविड आया दुनिया में लॉकडाउन लगा इंडिया में भी लॉकडाउन लगा और तब प्रधानमंत्री जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग की थी और हमारे साइंटिस्ट को प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि क्या हम कैसे कोविड के सामने लड़ेंगे तब हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा कि अननोन वायरस है क्या बिहेवियर करेगा ये हमें नहीं दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है लेकिन वो वायरस होने से वैक्सीन उसका इलाज हो सकता है और तब स्थिति ये थी ये देश में रूबेला का वैक्सीन आया हो पोलियो का वैक्सीन आया हो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आया हो कोई भी वैक्सीन आया हो दुनिया में रिसर्च होता था दस साल पंद्रह साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आता था ये स्थिति कोविड में होगी तो क्या होगा ये आप केवल कल्पना कर सकते हैं लेकिन मोदी जी ने साइंटिस्ट कम्युनिटी को कहा कि हम वैक्सीन का रिसर्च कर सकते हैं हमारे साइंटिस्ट ने कहा हम सब अवश्य प्रयास करेंगे और मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया में फर्स्ट डोज 2020 20 दिसंबर 2020 को फर्स्ट डोज लगा एक महीने के अंदर ही 16 सिक्सटीन जनवरी 2021 इंडियन रिसर्च इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज इंडिया ने लगा दिया ये इंडिया की सामर्थ्य की एक सक्सेस स्टोरी है और कोविड वैक्सीन की भी एक सक्सेस स्टोरी है दूसरा ये वैक्सीन का रिसर्च हुआ रिसर्च होने के बाद वैक्सीन लगाना और ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि इतने बड़े देश में यहाँ तो तुरंत ही पॉलिटिक्स चालू हो जाता है तो एक और हमें यहाँ होने वाले पॉलिटिक्स का भी सामना करना था और इतने बड़े देश जिसका पॉपुलेशन 130 करोड़ हो ये देशवासियों को वैक्सीन ही लगाना था तो हम कौन सी चीज़ में ध्यान दें आपने देखा होगा वैक्सीन का रिसर्च हुआ तो कंपनियों ने विपक्ष ने कहा कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है अच्छी होती तो मोदी क्यों नहीं लगाता वैक्सीन के सामने क्वेश्चंस खड़ा कर दिया जो देश के लोगों को बचाने के लिए था उस वक्त विपक्ष की जिम्मेवारी थी कि देश को मदद करे देश के प्रधानमंत्री और देश की कोई भी सरकार हो उसको मदद करना चाहिए जब १९७१ का बांग्लादेश के सामने वोर चल रही थी तो हम उस वक्त जनसंघ के रूप में वाजपेयी जी थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करने के जगह पे सपोर्ट किया था इंदिरा जी की सराहना की थी वो सराहना ना करे तो कोई नहीं लेकिन राजनीति चालू कर दी और उंगली उठाना चालू कर दिया ये वैक्सीन अच्छी नहीं है अच्छी होती तो मोदी क्यों नहीं लगाता मोदी ने कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा। ये वीआईपी कल्चर ये देश में नहीं है जो और कोई सरकार होती तो पहले मंत्री को लग जाते वी 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 को लग जाते ये सब हो जाता लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया मोदी जी ने कहा कि मेरे देश को बचाने वाले मेरे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स नर्स हमारे पुलिस जवान हमारे पैरामेडिक स्टाफ सब लोग देश के लोगों को बचाने में लगे थे उसको पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए मोदी जी ने उसको पहले वैक्सीन दिया दूसरा कहा कि 60 एबोव कोमोरबीड को वैक्सीन मिलनी चाहिए उसको वैक्सीन दिया तीसरा 60 एब जनरल को वैक्सीन मिलनी चाहिए इस श्रेणी में मोदी जी आते थे तो तब मोदी जी ने लिया तो फिर विपक्ष ने पॉलिटिक्स चालू किया कि अभी देश के श्रेष्ठ लोगों को वैक्सीन लगाना है मोदी ने क्यों लगा दिया ये सब पॉलिटिक्स का सामना करते हुए भी हम हमारे काम में डटे रहे आउटपुट ये निकला कि 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का डेलीगेशन को लीड करते हुए गया था तो मुझे बेल बिल गेट्स मिला हम भारतीय लोग हैं कोई मिलते है तो खड़े होकर बाहर जाते हैं गेट तक जाते हैं एंट्रेक करते हैं हमने किया और उस वक्त बिल गेट्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस हैंडसेक के दरमियान बोला कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव ऐसा करके उन्होंने हिंदुस्तान को शाबाशी दी तब मुझे मेरे देश के सामर्थ्य पर गौरव हुआ कि जो दुनिया नहीं कर पाई वो इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव 2.20 यानी कि 2.2 बिलियन डोज बस 220 करोड़ डोज इंडिया ने लगा दिया एक और चीज़ को लेके भारत के सामर्थ्य की काफ़ी बात हुई वो था वैक्सीन मैत्री जो छोटे छोटे देश थे या जिनके पास खुद का वैक्सीन नहीं था उनको हमने दिया काफ़ी तारीफ हुई उसकी इंटरनली कुछ आलोचना भी हुई इसके पीछे क्या था कुछ ऐसी बात बताइए जो हमें अभी तक पता नहीं है देश को नहीं पता है मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन मैत्री के आपने सही बताया कि तारीफ भी हुई और उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हुआ पॉलिटिक्स ये हुआ कि देश में वैक्सीन का रिसर्च हो गया और वैक्सीन की लाइफ जब शुरुआत में कोई इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में होता है तो पहले उसकी लाइफ तीन महीने की होती है बाद में छः महीने की बाद में एक साल की धीरे 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 उसकी लाइफ साइकिल बढ़ती जाती है ये टेक्निकल विषय है तो देश में वैक्सीन का रिसर्च हो गया और उस वक्त हमारे सामने पॉलिटिकल लड़ाई छेड़ दी थी मदद करना तो एक की एक साइड की बात रही लेकिन विपक्ष लोग पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया था कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है ये वैक्सीन नहीं लगाना तो एक और हमारे पास उस वक्त वैक्सीन पड़ी थी उसकी लाइफ साइकिल कम थी तो हमने ये वैक्सीन वैक्सीन मैत्री के तहत हम तो नेबर नेबरहुड पॉलिसी वाले लोग हैं पड़ोसी पहले रिश्तेदार हमारे होते हैं पड़ोसी कंट्री और पड़ोसी देश सुरक्षित नहीं होते तो हम भी सुरक्षित नहीं हो पाएंगे इन हेल्थ सेक्टर तो हमारी सुरक्षा के साथ पड़ोसी की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है तो वैक्सीन मैत्री के तहत हमने पड़ोसी कंट्री को यहाँ जो वैक्सीन पड़ा था वो देना चालू किया और देश में जब हम लोगों ने व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस का कैंपेन चलाया और जनता ने विपक्ष की बात को इग्नोर कर दिया ये तो सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम तो वैक्सीन लगाएंगे मोदी जी ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का नारा दिया तो देश वैक्सीन लगाने लगे तो उस वक्त फिर उन्होंने अभियान चलाया कि वैक्सीन कहाँ है मोदी ने वैक्सीन पड़ोसी देशों को पड़ोसी देशों को दे दिया मोदी ने वैक्सीन बेच दिया पहले आप लगाने के लिए ना कहते थे और हमारे पास एक्सेस था तो हमने वैक्सीन मैत्री के तहत दिया लेकिन जब देश में वैक्सीन की डिमांड बढ़ी तो हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में गति लाई और मैं आपको उल्लेख के साथ बताना चाहूँगा कि जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था देश में वैक्सीन की जरूरत थी मैं स्वयं पाँच दिन पाँच कंपनी में एक एक दिन रुका था सभी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है उसकी वीकनेस क्या है उसको क्या मदद की आवश्यकता है कई कंपनी के पास रॉ मटेरियल था लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो उसको आर्थिक सहयोग किया